कनेर का फूल किन भगवानों को चढ़ाना चाहिए? इन भगवानों को चढ़ाए कनेर का फूल कदम चूमेगी सफलता। हिंदू धर्म में कनेर के फूल की विशेष मान्यताएं हैं। इससे जुड़े उपाय करने से लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कनेर का फूल किन भगवानों को चढ़ाने से जीवन में खुशहाली आती है। ये तीन रंग के फूल। बता दें कि कनेर के फूल तीन रंग के होते हैं, लाल, पीला और सफेद। कहा जाता है कि इन सभी रंग के फूलों का अलग अलग महत्व होता है। नंबर एक, भगवान शिव को करें अर्पित ये फूल। माना जाता है कि कनेर का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में अगर सोमवार के दिन शिव जी को कनेर के फूल अर्पित करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर दो, जीवन में सुख शांति। कनेर के फूल शिव जी को अर्पित करने से जीवन में सुख और शांति आती है। इस पुष्प की सुगंध भगवान शिव को प्रसन्न करती है। नंबर तीन, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। मान्यता है कि कनेर के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी को सफेद रंग के कनेर के फूल बेहद प्रिय होते हैं। ऐसे में उन्हें सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। नंबर चार, जीवन में मिलेगी सफलता। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय कनेर के फूलों को शामिल करने से माता प्रसन्न होती है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। नंबर पाँच, विष्णु जी को करें अर्पित। पीले रंग के कनेर के फूल भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में विष्णु जी की पूजा करते समय उन्हें कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए। नंबर छह, जीवन की समस्याएं होंगी खत्म। भगवान विष्णु को पीले रंग के कनेर के फूल अर्पित करने से व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इन देवी देवताओं को कनेर के फूल चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।